कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो चढ़कर भी अपने दिल की बात सामने वाले को बता ही नहीं पाते। वो सोचते तो है कि जाकर दिल की बात बता दूं, लेकिन कहने से यार हालत खराब हो जाती है। हाँ जानती हूँ मैं कि आज ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे सिचुएशन से भी अगर वन नाइट स्टैंड हमसे कोई है, लेकिन ऐसे में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज भी सबसे कोस और दूर है 90s के, और वो चाहते हैं कि बस वो किसी तरह से अपने दिल की बात को बता दे लेकिन बिना कहे। तो अगर आप भी ये सोचते हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ना कि कैसे किसी को बिना कुछ कहे अपने दिल की बात बताए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन चीज, अगर आप चाहते हो ना कि कोई इंसान आपकी दिल की बात बिना आपके कहे समझ जाए, तो एक चीज जरूर करना, आप उसके सामने अवेलेबल होना। मतलब ऐसा होना कि आप उसे रोज भेंट करना, और ऐसी जगह पे कि बहुत देरों तक आप उसे, मतलब आप उसके सामने हो, उसे देखते रहो या फिर वो देखते रहे, ये हो या ना हो, लेकिन आप उस इंसान के सामने हो। जैसे कॉलेज में या फिर ट्यूशन में आप आस पास बैठो, क्योंकि अगर आप कहोगे नहीं तो कम से कम आप दिखोगे तो, ये तो जरूरी होगा ना। तो बहुत देर तक अगर आप सेम ट्यूशन में पढ़ते हो बगल में, या फिर बगल के बेंच पे बैठते हो, या फिर कॉलेज में ही पढ़ते हो बगल में बैठते हो, तो वो आपको नोटिस जरूर करेंगे। दूसरा नंबर जी, आप उसे जब देखोगे ना तो अपने फेस पे हल्का स्माइल रखना। मतलब ऐसे ईशी करके मत मुस्कुराना, लेकिन अपने फेस पे एक पॉजिटिव स्माइल की जानते हो, क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे बॉडी से ना डोपामिन रिलीज होता है, और इस डोपामिन से सामने वाले को ये जरूर समझ में आता है कि वो इंसान आपको कुछ कहना चाह रहा है या फिर नहीं कहना चाहता, तो उसके दिल में आपके लिए कुछ है। तो जब भी उसे देखो आपके फेस पे हल्की सी स्माइल जरूर होनी चाहिए। और तीसरा नंबर, अब स्माइल आपके फेस में और आप उसे बहुत दिन तक देख रहे हो, तो देखो कि क्या वो आपको देखना है, और देख रहा है तो सबसे पहले क्या उसके फेस में स्माइल है या इग्नोर कर रहा है। अगर वो लड़का या फिर वो लड़की आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप समझ जाना कि या तो उसके दिल में आपके लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आपने उसे ये बताने की कोशिश तो की लेकिन वो इंसान समझा नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपकी बातों को समझना ही नहीं चाहता, बस ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा चीज है ना तो आप उस दिन उसे इग्नोर करना, देख रहे उसे फर्क पड़ रहा है, अगर उसे फर्क पड़ रहा है तो उसके दिल में कुछ है, और फर्क नहीं पड़ रहा तो आप समझ सकते हो कि बिना कुछ कहे कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं कि उसके फेस पे भी स्माइल है, ठीक है, तो अब आप ऐसे कर सकते हो कि उसके फ्रेंड से बात कर सकते हो। अक्सर क्या होता है कि जिसके हम पसंद करते हैं ना उससे बात करने में बहुत डर लगता है ना, लेकिन उसके फ्रेंड से अगर बात करो आप खुद पर डर नहीं लगेगा, और इस तरह से आप उसके फ्रेंड सर्कल पे बात करके फ्रेंड से बनाओ, उसके फ्रेंड से जानता नहीं बस एक नॉर्मल फ्रेंड, और इस तरह से आप उसके और क्लोज आओगे। फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू आप उसे मैसेज कर सकते हो, और मैसेज में ना आप उसे नॉर्मल हाय हेलो मत कहना, बस ये कहना कि मैंने तुम्हें देखा है, या फिर मैं तुम्हें पहचानती हूँ ना, मैं तुम्हारे बगल में बैठता हूँ या फिर तुम्हारे क्लास में पढ़ता हूँ, इससे क्या होगा कि वो आपको जानती है, इस तरह से आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। तो अगर आप किसी से बिना बात किए फर्स्ट टाइम अपना इंप्रेशन उसे डालना चाहते हो, तो ये तीनों चीज जरूर फॉलो करना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है ना तो लाइक कर देना यार, ये मेरा इंस्टा आईडिया @_bismega। मैं मिलती हूं फिर एक नए ब्लॉग पर, अभी अंदर ना खुश रहना, मुस्कुराते रहना, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर, एंड डोंट फॉरगेट टू मिस मी नाउ।